आप सभी को नमस्कार। आज मैं बनाएंगे एक केरला स्टाइल अच्छप्पम। अच्छप्पम कैसे बनाते हैं उसका इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। देखो इंग्रेडिएंट्स का मतलब, देखो बस सबसे पहले चावल है, ऐसे कच्चा चावल है। कच्चा चावल दो तीन घंटा पानी में भिगोत कर रखना है। उसके बाद में वो थोड़ा पानी अच्छी तरह थोड़ा ड्राइनेस होने के बाद में मिक्सी में पीसना है, पाउडर बनाए। मैं अभी पाउडर बनाया, देखो इस तरह चालने से चाल के इतना पाउडर बनाया। अभी मैं बाकी जो इतना बचा है ये भी मिक्सी में डाल के पाउडर बना रही हूँ। सबसे पहले यही करना है, चावल क्वांटिटी के हिसाब से चावल पानी में तीन घंटा भिगोत कर रखना है। फिर बाद में चालने में, कोई चालने होता है ना ऐसे, इसमें चावल डाल कर रखना है। पानी सारे निकलने के बाद में थोड़ा ड्राइनेस होने के बाद में मिक्सी में पाउडर बनाना है। बनाया अभी चालने से चाल कर रहना है। मैं ये सारे तो बनाएगा नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से बनाएंगे। पाउडर में एक साथ थोड़ा बना कर रखा है, और भी काम आ जाते हैं कई चीज़ों में चावल का पाउडर रखेंगे तो। इस तरीक़े से पाउडर बनाना है, ये बाकी और पीसेंगे। मिक्सी में पीस के चाल के ले लिया पाउडर। अभी मैं अंडा, देखो चार अंडा लिए अच्छप्पम बनाने के लिए, चार अंडा लिए। चार लिए अभी इसमें, देखो ये चीनी, इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। देखो दो चम्मच, इसमें एक चम्मच और मिला रही हूँ, तीन चम्मच डाल दिया। अभी ये क्या करेगा, ये मिक्सी में, मिक्सी का जार में डालेंगे ये एक साथ अच्छी तरह। अभी मैं देखो ये मिक्सी में अच्छी तरह ग्राइंड हो गया, देखो डाल दिया सारे। इसमें मैंने देखो चावल का पाउडर डाल रही हूँ, चावल का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डाल के अभी फिर साथ में ये नारियल का दूध है, ये नारियल का दूध ऐसे नारियल का दूध बना कर रखा है। अभी देखो इस तरीके से छान के, अच्छी तरह छान के लिया है। इसमें पानी नहीं मिलाएंगे, ये दूध ही मिलाते हैं, दूध और अंडा इसमें मिलाने हैं ये पाउडर। ये एक साथ नहीं डालते, नहीं तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नारियल का दूध नहीं तो ये इस तरीके से थोड़ा 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 डाल के फिर मिलाने।
अभी मैं इसमें मैदा वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, अगर कई लोग इसमें मैदा भी ऐड करते हैं, 2-3 चम्मच मैदा भी ऐड करती हूँ मैं, तो मैदा वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ चावल का पाउडर से बना रही है। हेलो फ्रेंड्स, ये बर्तन तो छोटा हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ सारे बर्तन तो इसमें तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें जगह बड़ा बर्तन है ना, इसलिए इसी में सही रहेंगे, मिक्स करने में आसानी रहेंगे। अभी देखो नारियल का दूध हो रहा है, इसलिए मैं और डाल रही हूँ, ये पाउडर भी है चावल का पाउडर, इसलिए वो भी मिक्स कर लें। अभी मैं ये अभी नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, घंटा भर 2 घंटा बाद में बनाएंगे, ऐसे मिक्स करके मैं फ्रिज में रख लेंगे। अभी पाउडर तो इतनी है, अभी ये भी डाल रही हूँ, अभी सारे पाउडर डाल दिया। अभी कच्चा नारियल तो मिलते हैं खूब, वो कच्चा नारियल का अच्छी तरह वैसे टुकड़ा करके मिक्सी में ग्राइंड करके उसमें आधा ग्लास पानी डाल के फिर दूध बनाना है, फिर छालनी से छाल के लेना है। अभी ये देखो इडली डोसा वगैरह बनाते हैं ना, उससे भी थोड़ा पतला होना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं हल्का सा दूध नारियल का दूध और डाल रही हूँ, बस इतनी, इससे ज़्यादा और नहीं डालना। देखो यही है कंसिस्टेंसी, ऐसे करेंगे तो ऐसे रहना चाहिए। अभी मैं इसमें ऐड करेंगे, देखो वो ऐड करेंगे, इसमें डालेंगे तिल, काला तिल डालना है, नहीं तो अभी डाल कर रख देते। 1 पिंच नमक, 1 पिंच नमक डाल दिया, अभी ये काला तिल है, कितना भी डालेंगे तो उतना टेस्ट अच्छा रहेंगे। देखो अच्छा फम गई बैटर, देखो कितना सुंदर हो रहा है ये डालने के बाद में। अभी ये मिक्सी में फ्रिज में रख लेंगे, बस अभी बैटर तैयार हो गया, अरे ढक्कन लगा के मैं फ्रिज में रख लेंगे, ज़रूरी नहीं है फ्रिज में रखना, तुरंत भी बना सकते हैं, आधा घंटा बाद में भी बना सकते हैं। अभी मेरे को अभी टाइम थोड़ा सा और कुछ काम है, इसलिए मैं बाद में बनाएंगे, अभी फ्रिज में रख रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें तेल डाल दिया, ये अचप्पम बनाने का ये शेप वाला ये भी रखा है, अचप्पम इससे बनते हैं ये शेप में। अभी ये तेल अच्छी तरह गरम होने का, गरम
होना चाहिए, इसमें तेल में डूब के इस तरीके से रहना चाहिए। देखो बटर तो तैयार हो गया, मैंने फ्रिज में रखा था 2-3 घंटा, इसके बाद में निकाला था, निकाल कर रखा था 1/2 घंटा पहले। अभी अच्छी तरह और मिक्स किया है, अभी तेल तो गरम है, अभी इसमें पूरा नहीं डुबाना है, 1/2 से ऊपर। अभी इसमें इसे लगाया, देखो इस तरीका से रखना है, देखो अभी आ गया ना, अभी तो ये हो जा रहे, देखो अच्छपम मेकर है, ये अच्छी तरह गरम होना चाहिए तभी इसमें पकड़ेगा, नहीं तो ये बटर इसमें पकड़ते नहीं है। ये देखो कलर चेंज हो गया, उल्टा कर लिया, बिल्कुल लो फ्लेम में नहीं है, थोड़ा मीडियम कलर मीडियम फ्लेम में रखा है। मैं ये नारियल का तेल में बना रहे, अभी देखो ऐसे शेप में बन गया। अभी इसके बाद में मैंने ये टिश्यू पेपर रखे, टिश्यू पेपर रखा था इसमें निकाल कर रखा, अभी और इसको अच बोलते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट को अच्छपम का अच बोलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह तेल में गर्म होना चाहिए तभी इस तरीके से जल्दी ये इंस्ट्रूमेंट में ये बैटर पकड़ता है, अगर गर्म नहीं है तो नहीं पकड़ेगा, अच्छा बेकार हो जाएगा, बनेगा नहीं, इसलिए इस तरीके से बनाना है। अगर आप लोगों के पास अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो अच्छा का बैटर तैयार करके दूसरे शेप में भी कोई सा भी है तो दूसरा शेप में कुछ भी है बन जाएगा। ये तो केरल का फेमस है अच्छपम, हर दुकान में मिलेगा ये। जैसे बेकरी का दुकान है, बेकरी स्टोर में सब जगह ये फेमस है अच्छपम। ये देखो दो तो बनाया, दो अच्छपम बन के तैयार हो गया, अभी बाकी भी इस तरीके से बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी देखो अच्छपम बन के तैयार हो गया, देखो इस तरीके से चावल का पाउडर बनाने के बाद में आसानी है, उसमें अंडा मिलाने, काला तिल और चीनी, नारियल, कच्चा नारियल का दूध, कच्चा नारियल है वो छोटा छोटा पीस बना के मिक्सी में अच्छी तरह क्रश करना है, फिर पानी डाल के अच्छी तरह पीसना है, थोड़ा दरदरा से पीस के छालनी से दूध निकाल के छान के लेना है, वो चावल का पाउडर का क्वांटिटी के हिसाब से वो दूध वगैरह लेना है, नारियल का दूध, फिर काला तिल, चीनी, बस इतने इंग्रेडिएंट से अच्छा अप्पम बन जाएगा।
जो शेप का जो बर्तन है, जो शेप वाला होता है ना, ये तो देखो ऑनलाइन में भी, अमेज़न में ऑनलाइन में मिल जाएगा। ये शेप का अचपम बनाने के ये शेप का ये आइटम वहाँ पे मिल जाएगा अमेज़न में। आप लोग ऑर्डर कर लेना, मंगा लेना, इस तरीका से बना के एक बार ट्राई करना, आसानी है। ऑयल कोई सा भी काम में ले सकते हैं। मेरे पास जो नारियल का तेल था, इसलिए मैं नारियल का तेल से बनाया। नारियल का तेल से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, नुकसान भी नहीं करती। केरल का एक ट्रेडिशनल स्नैक्स है, सारे बेकरी स्टोर में मिल जाएगा। आजकल घर पे भी सब लोग बना लेते हैं, चाय के साथ में भी कभी भी खा सकते हैं। इसलिए इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखना, बच्चा भी पसंद करेगा। इस तरीके से शेप का जो चीज़ बच्चे भी बहुत पसंद करेगा। फिर दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय।